बचपन में बच्ची को मीडिया बहुत ज्यादा रास्ते से भटकाता है, इसलिए उसूल ये बनाएं कि नो टीवी, नो फोन, नो ईमेल, इन चीजों की तालीम में क्या जरूरत है और बच्ची को इनकी इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये सेल फोन और ईमेल शादी के बाद मियां और बीवी जाने। जो बच्ची अभी स्कूल गोइंग है उसको इन चीजों से क्या वास्ता। तो नो टीवी, नो फोन, नो ईमेल, नो फेसबुक, नो ट्यूटर, नो चैट रूम, ऐसी चीजों से बच्ची को एक ही तरफ रखें। इसलिए शरीयत ने कहा मुहसिनात गाफिलात, कि ऐसी पाकदामन औरतें जो गाफिल हैं। गाफिलात का लफ्ज उनके लिए एक सिफत है। क्या मतलब? कि जिनको बुराइयों का पता ही नहीं कि कैसे कैसे की जाती हैं। तो औरत को पता ही ना हो कि बदकिरदारी कैसे कैसे होती है, ये उसकी सिफत होती है, वो भोली भाली हो, पता होना चाहिए। चुनाचे इसी तरह इंटरनेट का एक्सेस, या अगर उसको होमवर्क करना ही पड़े, क्योंकि आजकल स्कूलों में इंटरनेट पे काम दिया जाता है कि जी ये से सर्च करके लाओ, तो वो सर्च करे, मगर मां बाप को चाहिए कि वो उसके ऊपर जो बुरी वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक करें। ऐसे प्रोग्राम मिलते हैं कि जिनको कंप्यूटर में डाल दिया जाए तो बुरी और गंदी वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाती हैं, उनको खोल ही नहीं सकते। और अगर बच्ची इंटरनेट पे काम करे तो कंप्यूटर को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, ऐसी जगह जहां बहुत लोग होते हैं वहां, ताकि सबके सामने बैठ के काम करे। और फिर ये कि ऐसे भी प्रोग्राम हैं कि जो हिस्ट्री को डिलीट नहीं करने देते, तो वो प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहिए ताकि बच्ची जब काम करे तो मां कंप्यूटर पर बैठकर जरा हिस्ट्री को पढ़ ले कि बच्ची ने क्या कुछ पढ़ा है। आम तौर पर बच्चों के कमरों में ताले दरवाजे में नहीं होने चाहिए। जरूरत ही क्या है? बच्ची के कमरे में मां किसी वक्त भी जा सकती है और बेटे के कमरे में बाप किसी वक्त भी जा सकता है। तो नो लॉक डोर, यही सबसे बेहतर उसूल है। बच्ची ने होमवर्क करना है तो हेल्प जरूर करें, मगर खुद सारा होमवर्क करके मत दें, क्योंकि इससे बच्ची फिर स्पॉइल हो जाती है। फिर बच्ची के जो फ्रेंड्स हैं वो मां की मशवरे से होनी चाहिए। फर्ज करो अगर 6 लड़कियां हैं और बच्ची उनमें से किसी को दोस्त बनाना चाहती है, तो वो मां को बताए और मां फिर सिलेक्शन करे कि इनमें से कौन कौन सी बच्चियां तुम्हारी बेहतर दोस्त बन सकती हैं। अगर तालीम में इन बातों का ख्याल रखा जाए तो बच्चियां बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकती हैं। फिर इसके बाद है बच्चियों के लिए एक्टिविटीज, ये भी होनी चाहिए। तो घर में मॉम और डॉटर का एक ग्रुप होना चाहिए जो मिलके काम करे, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो घर में मिलके करें। मसलन बच्ची अगर कुकिंग क्लासेस ले सकती है, बेकिंग क्लासेस ले सकती है, केक डेकोरेशन क्लासेस ले सकती है, तो बहुत अच्छा। अगर बच्ची गार्डनिंग में इंटरेस्ट ले लेगी तो बहुत अच्छा, उसको एक एक्टिविटी मिल जाएगी। वैसे दुनिया में रोजेज की जितनी नई वैरायटीज होती हैं अक्सर वो औरतें ही सर्च करती हैं, क्योंकि वो काम ही ऐसा है कि औरत कमरे में बैठ के दो प्लांट्स को आपस में ग्रेफिटिंग इस तरह से कर लेती है कि जिसकी वजह से नई खूबसूरत रंग वाली खुशबू वाली वैरायटीज आती रहती हैं। स्पोर्ट्स अगर करनी हो तो बच्ची के लिए
بیڈمنٹن ایک اچھی سپورٹ ہے، اس میں کپڑے اسی طرح رہتے ہیں، اور گھر میں بچی اپنے بھائی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ یہ کھیل کھیل سکتی ہے۔ سوئمنگ اگر بچی سیکھنا چاہیے تو اس کی اجازت ہو، مگر سوئمنگ میں کپڑے جو ہیں وہ کاسٹیوم ایسی ہو کہ مناسب ہو۔ بچی کو سیلف ڈیفنس کلاسز ضرور دلوانی چاہیے، مگر اس کی ٹیچر عورت ہو، مرد نہ ہو، کیونکہ زندگی میں سیلف ڈیفنس بچی کو کام آتا ہے اور اس سے بچی کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ پھر آرٹ اور کرافٹس کی کلاسز، یا سلک کے فلاور بنانے کی کلاسز، یا کیلیگرافی کی کلاسز، یا پینٹنگ کی کلاسز، یا جیولری میکنگ کی کلاسز، یہ بھی بچی کے لیے بہت انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر سیونگ اینڈ نٹنگ کی کلاسز، یا بچی کو جو دینی تقریبات ہوتی ہیں ان میں خدمت کے کام میں ولنٹیئر کرنا، یہ بھی اس کے لیے ایک بہترین ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔